नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत मिश्रा और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक और यूट्यूब लाइव को आप देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी उम्र के बड़े आविष्कार करने वाले एक छात्र के बारे में। बहुत छोटी सी उम्र, वैसे तो हमारे भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और 140 करोड़ लोग जो हैं उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिभा का लोहा अपने किए कामों से मनवाते हैं, और ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं। आपका नाम है मोक्ष जैन, और मोक्ष जैन ने किया क्या है? मोक्ष जैन ने एक ऐसा आविष्कार कर दिया है जो जिसके बारे में आप जब जानेंगे, जब आप सुनेंगे, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको भी लगेगा कि यार, ये इतनी सी उम्र में इन्होंने क्या कर डाला, कैसे बना डाला ये सब कुछ। तो क्या बनाया है, पहले उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये क्या चीज है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप थोड़ा गैस करिए कि ये चीज क्या है। देखिए, चश्मा तो नजर आ रहा है, लेकिन किस किस चीज के लिए चश्मा बनाया गया है, क्या ये काम करेगा, कैसे काम करेगा। देखिए, एक डिवाइस भी नजर आ रही है और ये चश्मा भी इनके मोक्ष के हाथ में नजर आ रहा है। अब ये काम कैसे करता है, ये सारी चीजें जानने के लिए मोक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये लग रहा होगा कि क्या चीज है, तो पहले हम आपको रिवील कर देते हैं, बता देते हैं कि क्या चीज है। देखिए सर, सुनिए। सिक्योरिटी गार्ड भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जब रात में ड्राइविंग करते हैं तो हमें नींद आने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर हम ये लगाएंगे तो हम नींद आने से बचेंगे। जैसे अगर मैं 3 सेकंड के लिए आंख बंद करूं तो ये एक्टिव हो जाएगा और बजर चालू हो जाएगा, जिससे कि नींद खुल जाएगी। यदि मेरी नींद फिर भी नहीं खुली तो ये गाड़ी को बंद कर देगा, साथ में पार्किंग लाइट को भी चालू कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो आपने समझ लिया मोक्ष ने क्या बनाया है, क्या चीज बनाई है, और कितनी शानदार जानदार चीज बनाई है। लेकिन ये कैसे दिमाग में आ गया, छोटी सी उम्र, 14 साल की उम्र है मोक्ष की, और कक्षा 10वीं के छात्र हैं। तो मोक्ष से समझ लेते हैं कि आइडिया कैसे आया, कैसे बनाया, कैसे ये काम करता है, और क्या इसके बारे में, जब इन्होंने ये बनाया है कहाँ इन्होंने दिखाया है, और इसके बाद क्या इनसे किसी ने संपर्क किया है कि ऐसी डिवाइस लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। तो सीधे स्वागत कर लेते हैं मोक्ष जैन का। मोक्ष, बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं? तो बढ़िया। ये मोक्ष, आपने कुछ चीज बनाई, क्या है ये चीज, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये डिवाइस जो है, ये कितने जैसा नजर आ रहा है, ये काम कैसे करता है, कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया, कब ये आइडिया आया, थोड़ा कुछ बताइए आपके बारे में। दरअसल एक बार मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रक अपने सुबह पलट गया मेरे सामने ही। मैं सफर कर रहा था, मैंने इसका कारण सोचा तो मुझे पता चला कि नींद की वजह से हुआ है। तथा हम बहुत से ऐसे केस सुनते हैं कि रात में सिक्योरिटी गार्ड सो गया, जिससे चोरियां हो गई, तो उससे बचने के लिए मैंने ये बनाया है। तो ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा बताइए, इसको क्या नाम दिया आपने, और ये आपने ही तैयार किया है या किसी की और मदद ली है, आपने तैयार कैसे किया है? ये स्मार्ट ग्लासेस फॉर ड्राइवर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स है, ये मैंने स्वयं तैयार किया है। तो कैसे तैयार किया है, इसको बनाने में कितना समय लगा, कैसे दिमाग आया, किससे पूछा इसमें, आप हम सुन रहे थे आपने कुछ बताया कि सेंसर लगे होते हैं इसमें, और 3 सेकंड और 5 सेकंड इसको ट्रैक किया जा सकता है, कहां से ये टेक्नोलॉजी आपको पता चल गई? दरअसल मेरे स्कूल में एक अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें मैं बहुत सी प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ। तो उधर पे मैंने सब बनाना सीखा। फिर मुझे एक दिन आइडिया आया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी बनाता हूँ। फिर मैंने इसको बनाया। इसमें दरअसल एक IR सेंसर होता है, ये इंफ्रारेड रेस को छोड़ता है जो कि टकरा के वापस लौटती है। साथ में इसमें एक आर्डिनो नैनो होता है, जिसमें मैंने कोडिंग की है। अगर 3 सेकंड तक मेरा सिग्नल आया तो ये बजर को एक्टिवेट कर देगा। यदि फिर भी मेरी आंख ना खुली तो आर्डिनो नैनो एक सिग्नल भेजेगा जो कि कार को जाएगा, जिससे कि कार में लगी कार से पावर कट हो जाएगी, साथ में पार्किंग लाइट चालू हो जाएंगी। पार्किंग लाइट चालू हो जाएगी और कार बंद हो जाएगी, चलते चलते कार या जो भी 4 व्हीलर है वो चलते चलते बंद हो जाएगा। हाँ, स्लोली स्लोली आपकी कार बंद हो जाएगी और पार्किंग लाइट इसलिए चालू होगी कोई पीछे से आके ना टकरा जाए। पार्किंग लाइट इसलिए चालू होगी कि पीछे से आके ना टकरा जाए। थोड़ा डिवाइस आप दिखाएंगे कैसा, ये डिवाइस है, थोड़ा दिखाइए जरा। हाँ, जैसे ये है हमारा वो ग्लास,
इसमें इधर पे लगा है आईआर सेंसर, ये साइड में लगा है आर्डिनो नैनो, इधर पे बजर, और ये एक मॉड्यूल है जिससे कि सिग्नल जाएगा अपनी कार को। अब मैं आपको कार का मॉड्यूल दिखाता हूँ। ये हमारी कार के चके, इधर पे हमारी पार्किंग लाइट और बाकी सब चीजें। ये सिग्नल भेजेगा जिससे उसने अपना कार रुक जाएगी और बाकी सब काम करेगा। मैं आपको प्रयोग करके बताता हूं। यदि मैं नॉर्मल अपनी ऐसी पलक झपकाऊं तो कुछ नहीं होगा, पर अगर मेरी पलक 3 सेकंड तक लगातार बंद हुई तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं, ये आपका चक्का रोटेट हो रहा है और अभी पार्किंग लाइट बंद है। जैसी मेरी आप कुछ देर तक बंद हुई तो आपका पहिया रुक गया है और आपकी पार्किंग लाइट चालू हो गई है, और जैसी मैं वापस अपनी आंख खोलूंगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इससे दुर्घटना बच सकती है। करनी होगी कि आपने इतना शानदार चीज बनाई है और बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि हम देखते हैं कि रोजाना हम भी न्यूज एंकर के बतौर हम जब खबरें दिखाते हैं दर्शकों को बताते हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं रोड एक्सीडेंट की, और सबसे ज्यादा तो रफ्तार, तेज रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। नींद भी एक कारण है, नींद की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये तेज रफ्तार पर लगाम लग सके इसको लेकर कोई डिवाइस बना हुआ है। फिर भी आपको क्या लगता है कि इसके लिए कुछ और नया डिवाइस बनाने की आप सोच रहे हैं जो तेज रफ्तार पर भी लगाम लगा पाए, ऐसा लगता है जरूरत है? हाँ, उसके उस पर भी काम चल रहा है। हम अल्ट्रासोनिक सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आसपास कोई व्हीकल आने पर हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक धीमी हो जाएगी। ऑटोमेटिक धीमी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहाँ दिखाया था आपने, स्कूल में प्रदर्शन उसमें आपने शो किया? दरअसल इंस्पायर अवार्ड होता, इंस्पायर अवार्ड वाली प्रदर्शनी होती है जिसमें मैंने भाग लिया था, सिलेक्शन हुआ था। फिर मैं सागर गया था, वहां पर प्रदर्शनी लगी। आप रहली के रहने वाले हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और रहली में सीएम राइज स्कूल में पढ़ते हैं। सीएम राइज स्कूल में बाकी सरकारी स्कूलों से सीएम राइज स्कूल कैसे अलग है, थोड़ा सा मुख भी बताइए। मैं सीएम राइज स्कूल में पढ़ता हूँ जो कि रहली में नगर के बीच ही स्थित है, जहाँ पे मेरे शिक्षकों ने मेरी बहुत मदद की, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे सैलन सर, सैलन प्रजापति सर जो कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर हैं, उन्होंने से बनवाने में मदद की। तो 10th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारी चीजें भी पढ़ रहे हैं? वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत हम 9th क्लास से ट्रेड्स चुन सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ब्यूटी होती हैं, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का चयन किया है। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हैं आगे, क्या तमन्ना है, क्या बनना है आगे जाकर के? मैं बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। लेकिन आपके पापा का तो गारमेंट का बिजनेस है, उसको कौन देखेगा? हाँ, मेरे पापा का माइन गारमेंट्स नाम का एक गारमेंट्स वाला बिजनेस है, तो मैं बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं। अच्छा, नया स्टार्टअप, तो पापा की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है, करता है पापा, हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? पापा नहीं बोलते हैं कि ये आप इंजीनियर बन जाओ, ये बिजनेस कौन संभाल लेगा? क्या आप इंजीनियर बन जाओगे तो ये बिजनेस संभाल लेगा, चला रहे हैं? जी सर, बच्चे सफल हो जाए उसी के लिए अपन मेहनत कर रहे हैं। अपन हमेशा चाहते हैं कि बच्चे सफल हो जाएं, उनका जो लगन है जिस चीज में वो ही करवाना है। तो आगे कैसे तैयारी करा रहे हैं बच्चे? अभी तो 10th क्लास में है, अब इसके बाद मतलब 11th से विषय का चयन करेगा, फिर उसके बाद 12th के बाद देखेंगे।
मोक्ष, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने डिवाइस तैयार कर दी है, अब इस डिवाइस को कोई लगवाना चाहता है, ऐसा किसी ने संपर्क किया? डिवाइस तो वाकई में अनोखी डिवाइस है, और इसके बारे में किसी ने आपसे बातचीत की? कॉपीराइट भी होता है, आपको पता है ना? बहुत सी लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा, तो यदि मैं इसका मास प्रोडक्शन करूं तो वो इसका इस्तेमाल कर सकती, इसमें थोड़ी बहुत चीजें सुधार करना होगा, जैसे कि ये वजनदार थोड़ा है, तो यदि मास प्रोडक्शन होगा तो ये हल्का भी हो जाएगा और अच्छे से कोई भी लगवा सकता है। तो क्या चाहते हैं आप कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या देखिए नितिन गडकरी जो मंत्री हैं वो तो बड़े एक्टिव रहते हैं ऐसे मामलों को लेकर, वो सड़क परिवहन मंत्री भी हैं, तो क्या आप उनसे चाहेंगे कि वो इस डिवाइस के बारे में जाने और उनसे आप अपील करना चाहेंगे कुछ? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो इसके बारे में सोचें, यदि वो मेरी हेल्प करें तो मैं इसकी उनको सब जानकारी दूंगा, जिससे सभी यदि व्हीकल में ये व्हीकल में पहले से आने लगे तो एक्सीडेंट बच सकते हैं और जनधन की हानि होने से रुक सकता है। चलिए, तो आप नितिन गडकरी की जी से अपील क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, आप अपने बताइए। मैं उनसे अपील यह करना चाहता हूँ कि ये अगर कार में पहले से आने लगे या फिर लोग इसे लगवाना अनिवार्य समझे तो फिर एक्सीडेंट होने से बचेंगे। हमारे आसपास इतने एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सी जनधन की हानि होती है, कुछ मासूम लोग सड़क पर रहते हैं, उनसे तो गाड़ियां टकरा जाती हैं, उनका तो कोई दोष भी नहीं रहता। यदि ये पहले से आने लगे कार्स में तो कितना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, कार में ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए। इसके अलावा मोक्ष, आपको कुछ जानकारी है, जब आप ये डिवाइस तैयार कर रहे होंगे तो आपने कहीं सर्च किया कि ऐसी कोई और डिवाइस किसी ने बना रखी है इसके पहले? अभी वैसे मैंने रिसर्च नहीं किया, मुझे मिला भी नहीं अभी कोई ऐसा कि किसी ने ये बनाया है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मोक्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोक्ष जैन जो है ये सागर के रैली में रहते हैं और 10वीं के छात्र है, टियर प्राइज स्कूल में पढ़ते हैं, और यहाँ पर इन्होंने एक ऐसी अनोखी डिवाइस बनाई है जिसको आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, देखने में एक सामान्य चश्मे सा लगता है लेकिन थोड़ा सा हैवी है, और मोक्ष ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा हल्का करने के लिए थोड़ी उनको मदद मिल जाए तो वो इसके लिए काम करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनसे भी अपील की है, उनसे भी कहा है कि अगर वो इसमें उनकी हेल्प कराए, वो उनकी ये जो आविष्कार इन्होंने किया है, जो इजाद इन्होंने किया है, इस पर अगर नजर डालेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मोक्ष जैन हमारे साथ जुड़े थे, मोक्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोक्ष ने जो तस्वीर जो चीज तैयार की है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और क्या है ये मोक्ष फिर से बता रहे हैं, सुनवाते हैं हम आपको। देखिए मोक्ष बता रहे हैं तथा सिक्योरिटी गार्ड भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जब रात में ड्राइविंग करते हैं तो हमें नींद आने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, अगर हम ये लगाएंगे तो हम नींद आने से बचेंगे। जैसे अगर मैं 3 सेकंड के लिए आंख बंद करूं तो ये एक्टिव हो जाएगा और बजर चालू हो जाएगा जिससे कि नींद खुल जाएगी। यदि मेरी नींद फिर भी नहीं खुली तो ये गाड़ी को बंद कर देगा, साथ में पार्किंग लाइट को भी चालू कर देगा। मैं आपको दिखा, तो देखिए पार्किंग लाइट को भी चालू कर देगा और गाड़ी को बंद कर देगा, अगर कोई चौकीदार है उसका वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत शानदार, बहुत अच्छा इनोवेशन इन्होंने किया है, अच्छा इन्वेंशन किया है, और हमारे साथ जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उन्होंने भी इसकी तारीफ की है। मोक्ष, आपको लोग बधाई दे रहे हैं आपके इस काम की, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के इस फेसबुक लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि मोक्ष जो होनहार बालक हैं उनका इन्वेंशन आपको पसंद आया होगा, ये हमारी खबर पसंद आई होगी, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं इस खबर के बारे में, आपको ये खबर कैसी लगी, साथ ही साथ मोक्ष को भी आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज जो है उन तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज के फेसबुक यूट्यूब लाइव पर इतना।